I've fallen in love with I Love. I love you. Del bole, wow. अनुभवी आंखों ने भी जो युगों युगों से मानव इतिहास की उथल पुथल देखती आई है, ऐसा विचित्र पात्र कभी नहीं देखा जैसा ये पात्र बर्बरीक है। मैंने ये भी कभी नहीं देखा कि एक ही व्यक्ति युद्ध पर तैयार दोनों पक्षों के लिए एक सा संकट बन गया हो। यदि कुरुओं में बर्बरीक के वाणों और सिद्धियों का भय फैला हुआ है तो पांडवों में उसके इसी वचन ने सनसनी फैला दी है कि वो युद्ध में दुर्बल पड़ने वाले पक्ष से जा मिलेगा। मैं समय असंख्य आंखों से झांकते इस प्रश्न को साफ देख रहा हूं कि यदि बर्बरीक इतना ही महत्वपूर्ण पात्र था तो वो सारे युद्ध के दौरान कहीं और कभी दिखाई क्यों नहीं दिया, जबकि उसने ये भी कह दिया था कि वो इस युद्ध में निष्पक्ष भी नहीं रहेगा। उसे ये स्वीकार नहीं कि उसके परिवार के वरिष्ठ सदस्य उसकी आंखों के सामने युद्ध भूमि में सर धड़ की बाजी लगा रहे हों और वो मात्र मौन दर्शक बना रहे, तो फिर उसने युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया? उसे किसने रोका, कैसे रोका? वो
इस युद्ध का मौन दर्शक बन जाने पर कैसे तैयार हो गया? मैं इन प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं, क्योंकि केवल मैं जानता हूं कि आज का बर्बरीक कल खाटू श्याम के नाम से पूजा जाएगा। किंतु मैं अभी उत्तर इसलिए नहीं दूंगा कि स्वयं वासुदेव बर्बरीक की जन्म कथा सुनाने जा रहे हैं और उनकी मधुर वाणी सुनने के लिए स्वयं मैं समय भी व्याकुल हूं। प्रणाम बड़े भैया। प्रणाम वासुदेव। अच्छा किया वासुदेव जो तुम यहां आ गए, मैं तो स्वयं तुम्हारे पास आने की सोच रहा था। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था वासुदेव। क्या पूछना चाहते हैं बड़े भैया? क्या तुम भी मेरे अनुजों की भांति मेरे इस निर्णय से सहमत नहीं हो कि पौत्र बर्बरीक को अपने वचन का पालन करने की संपूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए? क्या तुम भी यही समझते हो वासुदेव कि मैंने कोई अनुचित कार्य किया है? नहीं बड़े भैया, आपने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। आपने वही किया जिसकी आपसे सदैव आशा की जाती है। कमल कुंज में तो केवल कमल ही खिल सकते हैं ना, वहां कांटों की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। बड़े भैया, आपने सदैव की भांति अपने धर्म का पालन किया है। तो तुम्हारे मुख पर भी असंतोष की वही छाए क्यों देख रहा हूं वासुदेव जो मेरे अनुजों के मुख पर छाई हुई है? बड़े भैया, किसी निर्णय से सहमत होना और किसी निर्णय से संतुष्ट होना दोनों अलग अलग बातें हैं। आपके निर्णय से सहमत तो हुआ जा सकता है, किंतु इस निर्णय से संतुष्ट हो जाना अपने आप से छल करना होगा। अर्थात तुम ये समझते हो वासुदेव कि मेरे अनुजों की चिंता ठीक है? यदि आपका निर्णय ठीक है तो उनकी चिंता भी उतनी ही ठीक है बड़े भैया। परंतु वे चिंतित हैं क्यों? बड़े भैया, अपनी और अपनी सेना की सुरक्षा की चिंता हर योद्धा का धर्म होता है। किंतु उनकी चिंता अकारण है वासुदेव। बर्बरीक हमारी आंखों का तारा है। वो स्वयं अपनी शक्तियां लेकर हमारे पास आया है, हमारी ओर से युद्ध करना चाहता है, तो इसमें चिंता का क्या कारण है? बर्बरीक के समक्ष जो भी सेना आएगी वो पल भर में उसे अपने अद्भुत वाणों से समाप्त कर देगा। आपने सच कहा बड़े भैया। युद्ध के पहले दिन बर्बरीक के समक्ष जो भी कुरुसेना आएगी उसे वो देखते ही देखते समाप्त कर देगा। किंतु जो कुरुसेना उसके समक्ष नहीं आएगी वो बच जाएगी। उसका क्या होगा बड़े भैया? क्या होगा? क्या सेना की संख्या कम हो जाने से दुर्योधन की शक्ति अत्यंत क्षीणी हो जाएगी? क्या वो युद्ध हार नहीं जाएगा? आपका प्रश्न ही आपके प्रश्न का उत्तर और हमारी चिंता का कारण बना हुआ है बड़े भैया। कुरु योद्धाओं और सेनाओं के अंत के पश्चात दुर्योधन युद्ध हारेगा नहीं, वो अत्यंत दुर्बल हो जाएगा। और फिर बड़े भैया, पौत्र बर्बरीक अपने वचन के अनुसार दुर्योधन से जा मिलेगा। फिर हमारा क्या होगा? हम और हमारी सेना तो युद्ध के पहले ही दिन उसकी सिद्धियों की भेंट चढ़ जाएंगे, क्योंकि वैसे भी हमारी सेना कुरु सेना की तुलना में अत्यंत छोटी है। इसीलिए बड़े भैया, मैं आपके निर्णय से सहमत तो हूं किंतु संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूं। यह तो सचमुच बहुत भयानक स्थिति है वासुदेव। यह तो सर्वनाश हो जाएगा।
ऐसी स्थिति में तो केवल तुम ही कुछ ना कुछ कर सकते हो, और मुझे पूरा विश्वास है वासुदेव कि तुमने इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य सोच भी लिया होगा। सोचा तो नहीं बड़े भैया, पर सोच अवश्य रहा हूं। मैं कुछ खोज रहा हूं। क्या खोज रहे हो वासुदेव? असहमति और असंतोष के बीच में वो बिंदु खोज रहा हूं बड़े भैया, जहां सहमति और संतोष एक दूसरे से गले मिल सके। आओ पांचाले। मैं धन्य हुई। मैं तो समझी थी कि ज्येष्ठ पांडुपुत्र की भांति आपको भी मेरी पच्चाप सुनाई नहीं देगी। हम सब चिंतित हैं पांचाले। कुमार बर्बरिक से, एक ऐसे योद्धा से जो हमारा ही वंशज है, एक ऐसे बालक से जो हमारा अपना रक्त है। नहीं पांचाली, हम अपने वंशज से, अपने रक्त बर्बरीक से चिंतित नहीं है। हम तो चिंतित है उसकी उन सिद्धियों से जो केवल उसके गुरु के वचन के प्रति उत्तरदायी हैं। हम चिंतित है उस व्यक्ति से जिसकी निष्ठा धर्म अधर्म न्याय अन्याय में कोई अंतर नहीं समझती, केवल अपना वचन देखती है। पांचाली बर्बरीक वो आंधी है जो कभी भी अपने ही घर की ओर मुड़ सकती है। वो अपना ऐसा रक्त है जो अपनों का भी रक्त बहा सकता है, और हमारे पास इस आंधी को रोकने का कोई उपाय नहीं है। ये सिद्धियां, ये वचन, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। ये एक ऐसी समस्या है पांचाली, जिसने हम पांचों भाइयों को ही नहीं स्वयं वासुदेव को भी चिंतित कर दिया। नहीं नहीं, ये कैसे संभव है? केशव तो स्वयं समाधान है, वे स्वयं उत्तर है, जिनके समक्ष कोई भी प्रश्न टिक ही नहीं सकता। वे स्वयं आदि है और अंत भी, वे किसी परिणाम से कैसे चिंतित हो सकते हैं? मैं जाती हूँ। कहाँ जा रही हो पांचाली? वहां जहां हर प्रश्न का उत्तर है, जहां चिंता का निदान है, केशव के पास। आओ पांचाली। क्या बात है, किसी गहरी सोच में हो? मुख पर ही चिंता की रेखा, माथे पर पड़े बल, किसी समस्या ने आन घेरा है? हाँ पांचाली,
जीवन का सत्य ऐसा पथ है जिस पर केवल शांति के फूल ही नहीं होते, समस्याओं के शूल भी होते हैं। और यदि कोई शूल पांव में चुभ जाए तो पथिक व्यग्र हो जाता है और उसकी यात्रा की गति अचानक रुक जाती है। किंतु वासुदेव के पास भला किस समस्या का समाधान नहीं है? समाधान ही तो चिंता का कारण बना हुआ है पांचाली। मैं कुछ समझी नहीं। शरीर का कोई अंग सारे शरीर के लिए कष्ट का कारण और समस्या बन जाए तो समाधान यह है कि उस अंग को शरीर से अलग कर दिया जाए, शेष शरीर कष्ट से बच जाएगा। किंतु शरीर का एक अंग तो कम हो जाएगा ना? संकेतों की यह भाषा मेरी समझ से बाहर है। कुछ तो बताइए, हुआ क्या? बर्बरीक आ गया है। बर्बरीक? हमारा पौत्र? ये तो अच्छी बात है। वो अपने गुरु विजय से ऐसे तीन वाण और सिद्धि मंत्र लेकर आया है जिनसे बचाने वाली ढाल का अभी तक आविष्कार ही नहीं हुआ। किंतु ये तो और अच्छी बात है। कभी कभी जो बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है समझ लेने के उपरांत उतनी अच्छी नहीं लगती पांचाली। क्यों? ये वाण और मंत्र लेकर वो हमारे साथ रहा तो हमारी शक्ति और भी बढ़ जाएगी। यदि वो हमारे साथ रहा तो, किंतु यदि वो कुरुओं से जा मिला तो उसके यही वाण और मंत्र हमारे लिए बहुत बड़ा संकट बन जाएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं वासुदेव? बर्बरीक हमारा पौत्र है, हमारे परिवार का सदस्य है। उसके उसके धमनियों में हमारा रक्त दौड़ रहा है। वो हमारे शत्रु कुरुओं से क्यों जा मिलेगा? क्योंकि उसके गुरु का आदेश है कि वो युद्ध में उसी का साथ दे जो दुर्बल हो। पांचाली, कौरव असत्य के प्रतीक हैं। असत्य बाहर से जितना ही शक्तिमान दिखाई देता है भीतर से उतना ही दुर्बल होता है और किसी न किसी क्षण उसकी यह दुर्बलता बाहर आ ही जाती है। कौरवों की दुर्बलता भी ज्यादा देर छिपी नहीं रहेगी। ऐसी अवस्था में बर्बरीक पर विश्वास करना अग्नि से प्यास बुझाने की मांग करना होगा। उसका गुरु आदेश सर्वनाश का कारण बन जाएगा। तो क्या हुआ, यदि गुरु विजय उसके गुरु हैं तो उससे पहले आप उसके गुरु रह चुके? किंतु हमने उससे कोई वचन नहीं लिया था पांचाली। अब ले लीजिए। बाढ़ आ चुकी हो तो बिफरी हुई नदी पर बांध नहीं बांधा जा सकता। किंतु उसने ऐसा वचन दिया ही क्यों? ये एक बहुत लंबी कहानी है पांचाली, परंतु इस कहानी को तुम्हारे लिए जान लेना नितांत आवश्यक है। बर्बरीक के जन्म की कथा बहुत है महान, वासुदेव खुद कह रहे सुनो लगा कर ध्यान, सुनो लगा कर ध्यान। एक दिन की बात है, तुम्हारी भाभी सत्यभामा हमारी प्रतीक्षा कर रही थी।
सत्यभामा, इस मणि ने आपको इतना आकर्षित कर रखा है कि आप हमें भी भुला बैठे, क्या सोच रही हैं? सोच रही हूँ कि ये मणि कितनी भाग्यशाली है, दिन रात आपके गले से लगी रहती है। ये मणि तो हमारे गले से लगी रहती है, परंतु आप तो सदा हमारे हृदय में रहती हैं। उसका कारण भी तो यही मणि है ना? याद है जब आप ये मणि लेकर पिताश्री के पास आए थे और मैंने आपको देखते ही अपना मन आपके चरणों में रख दिया था। और आपको याद है इसी मणि ने हमें चोर ठहराया था। आपके पिताश्री ने इसी मणि की चोरी का हम पर आरोप लगाया था। वो आरोप तो झूठा था। उसी लज्जा में पिताश्री ने हमारा हाथ आपके हाथों में सौंप दिया था। किंतु चोर तो आप सदा के हैं नंदलाल। वो कैसे? सब जानते हैं जब आप छोटे से बालक थे तो गोकुल में माखन चुराया करते थे, और जब बड़े हुए तो चोर बन गए। ये बात और है कि जब आप माखन चोर थे तो सारा गोकुल आप पे जान छिड़कता था, और जब चोर बने तो हमने अपना सब कुछ आप पे न्यौछावर कर दिया। इंद्रदेव आप? आइए आइए, स्वागत है। आपका एकांत भंग करने के लिए क्षमा चाहता हूं वासुदेव। पवन का झोंका सरोवर का एकांत भंग नहीं करता देवराज इंद्र, वो तो लहरों को हलचल का संदेश सुनाता है। आपने आने का कष्ट किया है तो कारण भी असाधारण ही होगा। असाधारण ही नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण भी है वासुदेव। प्राग ज्योतिषपुर नरेश, नरकासुर, देव माता अदिति के कुंडल व वरुण देव का छत्र छीन कर ले गया है। क्या वो ये नहीं जानता कि माता अदिति का देवलोक में क्या स्थान है? वासुदेव, कुंडल और छत्र की चोरी का अपराध तो क्षमा के योग्य हो सकता था, किंतु उसने पृथ्वीलोक से 16,100 कन्याओं का अपहरण भी किया है, जिनका वो नारीत्व भंग करने पर तुला हुआ है। नारी मानव के सम्मान का प्रतीक होती है देवराज इंद्र। नारी की कोख से ही सभ्यताओं का जन्म होता है। नारी इस ब्रह्मांड के सौंदर्य का रहस्य। हम कोई भी अपराध क्षमा कर सकते हैं, किंतु नारी का अपमान हमारे लिए असहनीय है। नरकासुर को उसके दुष्कर्म का दंड अवश्य दिया जाएगा। हम स्वयं जाकर माता अदिति के कुंडल, वरुण देव का छत्र और उन 16,100 कन्याओं को नरकासुर के चंगुल से छुड़ा लाएंगे। अब लानारी जाति पर किया जो अत्याचार, नरकासुर के नाश को हुए कृष्ण तैयार, हुए कृष्ण तैयार। वासुदेव, नरकासुर तक पहुंचना इतना सरल नहीं है। एक तो स्वयं वो बहुत ही शक्तिशाली है, फिर उसका दानव सेनापति मुर और उसकी सुपुत्री मौरवी ने सुरक्षा का इतना कड़ा प्रबंध किया है कि प्राग ज्योतिषपुर की सीमा में प्रवेश करना असंभव है। दुष्ट और अत्याचारी लोगों की शक्ति मोम की भांति होती है देवराजेंद्र। देखने में बहुत कठोर, किंतु अग्नि की एक छोटी सी लौ से पिघल जाने वाली। आप चिंता न करें, वो हमें अपनी सीमाओं में प्रवेश करने से रोक नहीं पाएगा। ठहरिए वासुदेव, हम भी आपके साथ चलेंगे। न जाने क्यों हमारा मन कहता है कि प्राग ज्योतिषपुर में हमारा आपके साथ रहना आवश्यक है। तो चलिए,
न जाने उन असहाय अबलाओं की क्या दशा होगी। हमसे वो वस्तु मांग रही हो जो हमारे पास है ही नहीं। हमसे हमारे सारे आभूषण ले लो, सारा सारा धन ले लो, पर हमें मुक्त करो। हम तुमसे जो धन चाहते हैं वो तो तुम्हारा रूप धन है जो अब हमारा हो चुका है और जिसे भोगने से हमें कोई वंचित नहीं कर सकता। बंद करो ये चीख पुकार, बंद करो। द्वारपाल ले जाओ इन्हें। महाराज की जय हो। कोई नई सूचना लाए हो? जी महाराज, सूचना मिली है कि इंद्र के भड़काने पर कृष्ण सेना लेकर प्राग ज्योतिषपुर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। हम जानते थे कि अपने अभिमान की इस हार पर यह अहंकारी देवलोक वाले चुप नहीं बैठेंगे। कोई ना कोई अवश्य इधर आएगा। सेनापति महाराज, आप हमें ये बताइए कि कृष्ण को रोकने के लिए आपने क्या प्रबंध किया है। महाराज, सीमाओं पर विद्युत रस्सियों और कटारों का जाल बांध दिया गया है। जो भी प्राग ज्योतिषपुर की सीमाओं में प्रवेश करने की मूर्खता करेगा वो विद्युत रस्सियों में उलझकर समाप्त हो जाएगा और कटारें उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके वायु में उछाल देंगी। आप चाहें तो स्वयं चलकर देख सकते हैं। हम अवश्य देखना चाहेंगे। आइए महाराज। आज वो रहा हमारा सुरक्षा प्रबंध। प्रबंध तो उत्तम है, किंतु हमें इसका उपयोग बताइए सेनापति। जो आज्ञा महाराज। सैनिक, वो सामने विद्युत जाल है, वहां जाकर अपनी खड़क से प्रहार करो। जो आज्ञा महाराज। महाराज
हम प्रसन्न हुए, किंतु कृष्ण को कम न समझो, वो बहुत चतुर और साहसी है, कोई ना कोई चाल अवश्य चलेगा। बहुत चौकन्न रहने की आवश्यकता है। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी जाकर अपनी पुत्री मोरबी को कहता हूं कि वो स्वयं आकर इस सुरक्षा जाल की देखरेख करे। आप निश्चिंत रहे महाराज, युद्ध हुआ तो मेरी पुत्री मोरबी कृष्ण की सेना के रक्त की नदियां बहा देगी। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भाव, आप कब आए? थोड़ी देर हुई, तुम्हें पूजा में लीन देखकर मैंने विघ्न डालना उचित नहीं समझा। किंतु बेटी, देवी कामाख्या ने तुम्हें वो सब दिया है जिसकी तुमने कामना की थी, खड़क त्रिशूल शक्ति। अब देवी से क्या मांग रही हो? वही जिसके बिना एक कन्या का जीवन और अस्तित्व अधूरा होता है। एक उचित वर, देवी की दी हुई शक्तियां अब मेरे लिए शाप बनती जा रही हैं। क्यों बेटी? मैं तो विवाह के लिए यह प्रस्ताव रखकर स्वयं अपने ही जाल में फंस गई हूं कि उसी से विवाह करूंगी जो मुझे शस्त्र और शब्द से पराजित कर देगा। विवाह के इच्छुक नित्य आते हैं और मेरी शक्ति से पराजित होकर मारे जाते हैं। ये हाथ जो मेहंदी से लाल होने के लिए तरस रहे हैं, केवल रक्त से लाल होते रहते हैं। मैं तुम्हारा दुख समझता हूं बेटी, पर यह समय इन सब बातों के लिए नहीं है। कृष्ण सेना लेकर हम पर आक्रमण के लिए आ रहे हैं और हमारा परम कर्तव्य अपने महाराज की रक्षा करना है। पिताश्री, महाराज से कहिए वो अपनी रक्षा की चिंता छोड़ दें, क्योंकि एक तो कोई रस्सी और कटार का जाल ही पार नहीं कर पाएगा, और यदि कर भी गया तो कामाख्या देवी का खड़क त्रिशूल और मेरी शक्ति से नहीं बच पाएगा। और श्री कृष्ण, आने दीजिए उनको भी, देख लेंगे। इंद्रदेव नरकासुर की इसी सुरक्षा व्यवस्था से भयभीत थे? ये विद्युत रस्सियों का जाल, ये तो बहुत दुर्बल व्यवस्था है केशव। किसी भी जाल को दुर्बल समझ लेना अज्ञानता होगी सेनापति। ये जाल तो दिखाई दे रहा है,
मायाजाल तो दिखाई भी नहीं देता, किंतु उसमें फंस जाने वाला व्यक्ति कभी बाहर नहीं निकल पाता। इंद्रदेव की चिंताओं पर संदेह करना मूर्खता होगी। यदि आपकी आज्ञा हो तो इस जाल को काट दें। ऐसी भूल कभी ना करना सेनापति। नरकासुर का सेनापति मूर एक उच्च कोटि का शिल्पी भी है, अवश्य ही इस घेरे में कोई रहस्य है। बहुत सोच समझ कर चोट करना ही उचित होगा। जो आज्ञा केशव, सोच समझ कर ही प्रहार होगा। सैनिक, देव ठीक कहते थे, मूर ने आकाश की विद्युत शक्ति को बंदी बना लिया है। इस जाल को पार करना सरल नहीं। ये मोरवी पास है केशव, मूर की पुत्री ने कामाख्या देवी की सहायता से अपूर्व शक्ति प्राप्त की है, किंतु मेरे पास भी सूर्यदेव का दिया हुआ दिव्यास्त्र है जिस पर विद्युत का कोई प्रभाव नहीं होता। मैं इस जाल को पार करूंगी। सूर्य कवच धारण किया सत्यभामा ने आज, दुखियारी अब लाऊं की चली बचाने ला। मैं समय हूं, मैं जानता हूं कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बर्बरीक की जन्म कथा सुनाने का निर्णय क्यों किया। बर्बरीक के आने से कौरवों और पांडवों में जो कोलाहल मचा था उसे उस समय तक समझा ही नहीं जा सकता जब तक ये न जान लिया जाए कि बर्बरीक की पृष्ठभूमि क्या थी, क्योंकि बर्बरीक के जन्म की घटना भी उतनी ही विचित्र थी जितना स्वयं बर्बरीक। ये रहस्य केवल मैं जानता हूं कि बर्बरीक का जन्म और नरकासुर तथा उसके दानव सेनापति मुर का वध एक ही श्रृंखला की दो कड़ियां हैं। मैं ये भी जानता हूं कि जिन 16,100 कन्याओं का नरकासुर ने अपहरण किया था उन्हें श्री कृष्ण ने अपनी रानियों का सम्मान और स्थान क्यों दिया। ये सब घटनाएं जो एक दूसरे से भिन्न थी मिलकर बर्बरीक के जन्म का कारण बन गई। इंद्रदेव नरकासुर की इसी सुरक्षा व्यवस्था से भयभीत थे। ये विद्युत रस्सियों का जाल, ये तो बहुत दुर्बल व्यवस्था है केशव। किसी भी जाल को दुर्बल समझ लेना अज्ञानता होगी सेनापति। ये जाल तो दिखाई दे रहा है, माया जाल तो दिखाई भी नहीं देता, किंतु उसमें फंस जाने वाला व्यक्ति कभी बाहर नहीं निकल पाता। इंद्रदेव की चिंताओं पर संदेह करना मूर्खता होगी। यदि आपकी आज्ञा हो तो इस जाल को काट दें।
ऐसी भूल कभी ना करना सेनापति। नरकासुर का सेनापति मूर एक उच्च कोटि का शिल्पी भी है, अवश्य ही इस घेरे में कोई रहस्य है। बहुत सोच समझ कर चोट करना ही उचित होगा। जो आज्ञा केशव, सोच समझ कर ही प्रहार होगा। सैनिक, देव ठीक कहते थे, मूर ने आकाश की विद्युत शक्ति को बंदी बना लिया है। इस जाल को पार करना सरल नहीं। यह मूर भी पाश है केशव। मूर की पुत्री ने कामाख्या देवी की सहायता से अपूर्व शक्ति प्राप्त की है, किंतु मेरे पास भी सूर्य देव का दिया हुआ दिव्यास्त्र है जिस पर विद्युत का कोई प्रभाव नहीं होता। मैं इस जाल को पार करूंगी। विजयी भव, सेनापति, सेनापति, जी महाराज। महाराज, क्या इसी सुरक्षा व्यवस्था पर गर्व था तुम लोगों को? कृष्ण, तुम्हारी मृत्यु तुम्हें प्राग ज्योतिषपुर की सीमा में ले आई है। अब तू यहां से जीवित नहीं जाएगा। सारी बाधाएं दूर हो चुकी हैं केशव। सेनापति, सेना को सावधान किया जाए। सावधान। We'll be right back.
अहंकार से नम्रता और युद्ध से शांति का मार्ग अधिक उत्तम है। अहंकार केवल एक व्यक्ति के नाश का कारण होता है, किंतु युद्ध सामूहिक विनाश को निमंत्रण देता है। तुमने माता अदिति के कुंडल और वरुण देव का छत्र छीन कर केवल अपराध किया था। यदि तुम वो छत्र और कुंडल लौटा दो और अपहरण की गई कन्याओं को सादर मुक्त कर दो तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। मैं जरासंध नहीं हूं वासुदेव, मेरा नाम नरकासुर है और मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके ही रहता हूं। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि अदिति के कुंडल रखकर और वरुण का छत्र लगाकर मैं कंवारी कन्याओं का भोग करूंगा, सो तो मैं करके रहूंगा। पापी की प्रतिज्ञा बिच्छू के डंक के समान होती है नरकासुर। बिच्छू दूसरों को तो डंक मारता ही है, किंतु एक दिन उसका अंत भी स्वयं उसी के डंक से ही होता है। हमें अपनी मीठी मीठी बातों में फुसलाने का प्रयत्न ना करो वासुदेव, आक्रमण किया जाए, आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। व्यवस्था भंग करके यदि तुम ये समझती हो कि तुमने युद्ध जीत लिया तो ये तुम्हारा भ्रम है। युद्ध का अंतिम निर्णय मेरी शक्ति करेगी। Yeah.
जी। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। केशव, तुमने मेरे पिताश्री और सम्राट का वध किया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझसे कोई नहीं बचा सकता केशव। ठहर जाओ मौरवी, ये क्या कर रही हो? इसने मेरे पिता और सम्राट का वध किया है, मैं इसे मृत्यु के घाट उतार दूंगी। मृत्यु के घाट उतार दूंगी? अरे मूर्ख, जिनके दर्शन मात्र से मोक्ष का मार्ग खुल जाता है, जिनका चरणामृत दुखियों के दुख का निवारण कर देता है, जो पापियों के उद्धारक, दिलों के तारक और दुर्बलों के सहायक हैं, उनके हाथों से तो जिसने मृत्यु पाई उसे एक नया जीवन मिल गया। नरकासुर और मूर तो भाग्यशाली थे जो श्री कृष्ण ने उन्हें सदा के लिए जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्ति दिला दी। लाओ ये खड़ग मुझे वापस दे दो। तुम देवी होकर अपना दिया हुआ वरदान मुझसे वापस मांग रही हो? हाँ, इसी में मेरा और तुम्हारा दोनों का सम्मान है। ये खड़क श्री कृष्ण के लिए एक काठ के खिलौने से अधिक साबित नहीं होगा, इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें इसके प्रयोग की आज्ञा नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि ये खड़क मुझे लक्ष्मी ने दिया है। लक्ष्मी विष्णु देव की पत्नी है तो श्री कृष्ण विष्णु के अवतार, भला कहीं पत्नी का शस्त्र पति को कोई हानि पहुंचा सकता है? तुम देवी हो इसीलिए कृष्ण का पक्ष ले रही हो? नहीं, तुम पुत्री हो इसलिए मैं तुम्हारा पक्ष ले रही हूँ। तुम इनके गुणों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हें बताती हूँ। इनके चरण स्पर्श करो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ति का मार्ग भी इन्हीं के चरणों से निकलेगा। तुम्हें वर की खोज थी ना? हाँ। तो समझ लो आज तुम्हारी खोज का अंत है। जाओ इनके चरण छुओ। तुम्हारी इच्छा केवल श्री कृष्ण ही पूरी कर सकते हैं। सौभाग्यवती भव, यदि मुझे आप जैसा वर मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। नर और नारी का केवल एक ही संबंध नहीं होता मोरवी। जिस प्रकार हर पौधे का पुष्प अलग अलग रंग और अलग सुगंध रखता है, उसी प्रकार हर नर और हर नारी को वर भी उनके स्वभाव के अनुसार ही मिलता है। तुम पुत्री समान हो मेरे लिए, और तुम्हारे लिए वर की खोज करना एक पिता समान मेरा कर्तव्य है। अब ये खोज तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे लिए ऐसा वर ढूंढ लाऊंगा जो आजीवन तुम्हें सुखी रख सके। अपहरण की गई कन्याएं कहां है मोरवी? आइए वासुदेव। पधारिए।
विराजिए। द्वारपाल, कारागार से कन्याओं को लाया जाए। आप लोग मुक्त हैं। धन्य हो केशव, धन्य हो वासुदेव। नरकासुर का अंत हो चुका है, आप लोग जा सकते हैं। परंतु हम जाएंगे कहाँ? अपने अपने गृहों की ओर, जहाँ से नरकासुर आप लोगों का अपहरण करके लाया था। अब हमें स्वीकार कौन करेगा? आपकी परिजन जो आपकी राह देख रहे होंगे। हम पर अपहरण का लांछन लग चुका है और अब समाज अपने द्वार हम पर बंद कर चुका है। क्यों, क्या समाज ये नहीं जानता कि आपका बलपूर्वक अपहरण किया गया था? आप अपनी इच्छा से तो नहीं आई थी? और हम ये भी जानते हैं कि इससे पहले कि नरकासुर अपने अपवित्र हाथों से आपको छू भी सके, केशव ने आकर आपकी नारीत्व की रक्षा की है। देवी, देवी सत्यभामा, आप तो जानती हैं, जब समाज सीता मैया का विश्वास नहीं कर सका तो हमारी क्या गिनती है। सीता माता देवी होकर भी स्वयं को निर्दोष साबित नहीं कर सकी तो हम तो साधारण कन्याएं हैं। आप तो हमें आश्रय वैश्यालय में मिलेगा या तो फिर आत्महत्या करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। वैश्यालय धरती पर मानव का अपने ही हाथों से बनाया हुआ नरक है और आत्महत्या कायरता। फिर आप ही हमें अपनी दासियां बना लीजिए। स्त्री दासी बनने के लिए जन्म नहीं लेती देवी, उसके केवल तीन रूप होते हैं, माता, पुत्री और पत्नी। माता हम बन नहीं सकती क्योंकि हम अविवाहित हैं। पुत्री बनने से हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा और पत्नी हमें बनाएगा कौन? हम बनाएंगे। जो कन्या स्वेच्छा से सम्मान नहीं खोती, उसको अकारण दोषी समझकर दोषी ठहराना और उसका अपमान करना तो वैसा ही है जैसे एक अत्याचार का उत्तर दूसरे अत्याचार से दिया जाए। हम आपके पवित्र नारीत्व के स्वयं साक्षी हैं, हम यह अन्याय नहीं होने देंगे। हम आपको अपनी रानियों का स्थान देने की घोषणा करते हैं। श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण की जय। किंतु ध्यान रहे कि यह स्थान आपको केवल इसलिए दिया जा रहा है कि समाज आपको हीन दृष्टि से न देखे, आपका सामाजिक सम्मान स्थापित हो सके। आज के दिन से संसार और इतिहास आप 16,000 कन्याओं को हमारी रानियों के रूप में ही जानेगा। किंतु यह सत्य केवल हम और आप ही जानेंगे कि इस सम्मान के अतिरिक्त हमारे और आपके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं होगा। रखी सहस्त्रों नारियां नरकासुर ने कैद किया, मुक्त श्री कृष्ण ने तोड़ा बंध अवैध, तोड़ा बंध अवैध। अपना कर श्री कृष्ण ने दिया उन्हें सम्मान,
जहाँ पूज हो नारियाँ बसे वहीं भगवान, बसे वहीं भगवान। धन्य हो प्रभु, अब मैं समझी कि संसार आपको भगवान क्यों कहता है। चलिए अब हमें माता अदिति के कुंडल और वरुण देव का छत्र प्राप्त करना है। स्वीकार कीजिए। बधाई हो वासुदेव, आपकी विजय का समाचार देवलोक तक पहुंच गया है। देव राजेंद्र, ये रहे माता अदिति के कुंडल और वरुण देव का छत्र। आप धन्य हैं वासुदेव, आपने देवलोक पर एक और उपकार किया है। नरकासुर और उसके दानव सेनापति का वध करने के कारण देवलोक ने आपको मुरारी की उपाधि दी है। आज के बाद संसार में आप मुरारी के नाम से भी जाने जाएंगे। प्राग ज्योतिषपुर को तुम्हारे अधीन करते हैं। मुझे इस मुकुट और सिंहासन की कोई लालसा नहीं है केशव। हम जानते हैं देवी, हम जा अवश्य रहे हैं, किंतु तुम ये ना समझना कि हम अपना वचन भूल जाएंगे। तुम्हें पुत्री कह देने के पश्चात तुम्हारे इस जीवन को सुखी बनाने का उत्तरदायित्व अब हमारा है। अश्वपोष डालो, हम शीघ्र ही तुम्हारे लिए योग्य वर ढूंढकर उसे तुम्हारे पास भेज देंगे। रो मत मोरवी। दुख तो इस बात का है केशव कि आप स्वयं यहाँ प्राग ज्योतिषपुर आए और मैं इतनी अभागिन हूँ कि आपको दो चार दिन अपने पास रखकर ठीक तरह से आपका सत्कार भी नहीं कर सकी। अब हमें जाना होगा मोरवी। आयुष्मान भव। चलो प्रिय। चलो। चलो सारथी।
भाभी श्री। वासुदेव। प्रणाम वासुदेव। कल्याणमस्तु। मेरे अहो भाग्य जो आपने दर्शन दिए। भाभी श्री, हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। जो सारे संसार को देता हूं उसे मैं बेचारी का दे सकती हूं। आप स्त्री हैं भाभी श्री, भगवान के पश्चात इस संसार को जो कुछ भी दिया स्त्री ने ही दिया, ममता, प्यार, स्नेह, सब कुछ। मानव देवता भी स्त्री के आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने भी स्त्री की कोख से ही जन्म लिया। इसीलिए तो हम भी आपसे कुछ मांगने आए हैं। मेरे प्राण भी आपके काम आ सके तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मांगिए वासुदेव, मेरे पास जो भी कुछ है आप ही का तो है। हम आपसे आपका पुत्र घटोत्कच मांगने आए भाभी श्री। मेरा पुत्र? अच्छा, युद्ध में रक्तपात करने के लिए? रक्तपात रोकने के लिए। मैं समझी नहीं केशव। दानव मूर की पुत्री मूर्वी वर की खोज में न जाने कितने नवयुवकों की हत्या कर चुकी है। उसने उसी से विवाह करने की प्रतिज्ञा की है जो बल और बुद्धि में उसे परास्त कर सके। हम जानते हैं कि यह उसका अभिमान है और उसका यह अभिमान केवल घटोत्कच ही चूर कर सकता है, किंतु उसके लिए आपकी आज्ञा आवश्यक है। अवश्य ले जाइए वासुदेव, किंतु मेरी एक विनती है। वो क्या? वासुदेव, घटोत्कच को मारवी के पास भेजने से पहले मेरे पतिदेव पांडुपुत्र भीम से अवश्य पूछ लीजिएगा। कदाचित मेरे पतिदेव ये ना सोचने लगे कि उनसे दूर रहकर उनकी पत्नी स्वतंत्र निर्णय लेने लगी है। हम आपके पतिव्रत धर्म का आदर करते हैं भाभी श्री, हम मजले भैया से अवश्य आज्ञा लेंगे। पुत्र घटोत्कच। जी माताश्री। वासुदेव। प्रणाम वासुदेव। आयुष्मान भववत्स। पुत्र, वासुदेव के साथ जाओ और ये जो भी कहे बस वही करना, इसी में मेरे जीवन का सुख है। जो आज्ञा माताश्री। आयुष्मान भव। हम पर आपका ये ऋण रहा भाभी श्री। चले वत्स। चलिए। तुम्हारा कथन सत्य है भीम, परंतु प्रणाम भ्राताश्री। प्रणाम। बहुत शुभ समाचार है भ्राताश्री। अच्छा, क्या हुआ? पराग ज्योतिषपुर का राजा नरकासुर देव माता अदिति के कुंडल और वरुण देव का छत्र छीन ले गया था। देवकी नंदन ने उनका वध किया और कुंडल और छत्र वापस ले आए। यही नहीं, उसने जो 16,100 कन्याओं का अपहरण किया था केशव ने उन्हें भी मुक्त करा लिया। नरकासुर के भाग्य में केशव के हाथों मरना ही लिखा होगा। किंतु नरकासुर का सेनापति मूर तो बहुत ही प्रतापी और शूरवीर था, उसका क्या हुआ? वो भी वासुदेव के हाथों मारा गया। और उनकी पुत्री मौरवी, सुना है उसको कामाख्या देवी का वरदान भी प्राप्त है। उसका वरदान केशव के आगे प्रभावहीन हो गया, परंतु केशव ने उन्हें प्राणदान दे दिए। प्रणाम वासुदेव। प्रणाम केशव। प्रणाम। आयुष्मान भव। प्रणाम। विजय भव पुत्र। प्रणाम। शक्तिशाली भव, तुम्हारी याद और तुम सदैव एक ही साथ आते हो वासुदेव, किंतु पुत्र घटोत्कच को साथ लाकर तुमने हमारे मन को और भी प्रसन्न कर दिया। प्रणाम प्रियश्री। पुत्र, तुमको तो तुम्हारी माता एक पल के लिए भी आंख से ओझल नहीं होने देती, आज कैसे छोड़ दिया? इसे हम लाए हैं मछली भैया, हम आपकी आज्ञा लेकर इसे मौरवी के पास भेजना चाहते हैं। दानव पुत्री मौरवी के पास? हाँ मछली भैया, मौरवी को बल और बुद्धि में आज तक कोई नहीं हरा सका। ये आपका पुत्र है, हमें विश्वास है कि उसे बल और बुद्धि में केवल यही हरा सकता है।
इसे आपका बल मिला है। अरे अरे वासुदेव, ऐसा अंधेर कदापि ना कीजिए। यदि इसे बल मजले भैया का मिला तो बड़ी अच्छी बात है, किंतु यदि कभी इसे बुद्धि भी मजले भैया की मिली तो ये बड़ी चिंता का विषय होगा। ये न भूलो पार्थ कि हमारा घटोत्कच केवल मजले भैया का ही नहीं, हमारी भाभी श्री हिडिंबा का पुत्र भी है। वे मायावी दानवी हैं और बुद्धि के बिना कोई मायावी नहीं हो सकता। तुम जाओ पुत्र, ये लोग तो मेरी खिल्ली उड़ाते हैं। तुम दानव पुत्री मौरवी को बल और बुद्धि में ऐसी करारी हार दो कि उसका मुंह भी बंद हो जाए और इन सबका भी। आपका आशीर्वाद रहा तो पिताश्री ऐसा ही होगा। ऐसा होना ही चाहिए पुत्र, क्योंकि हम सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हमारा आशीर्वाद तो है तुम्हारे साथ पुत्र, पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो कार्य केशव की सम्मति से होगा वो कभी असफल हो ही नहीं सकता। जाओ पुत्र। विजयी भाव, विजयी भाव। ये जो भय तुम्हारी आंखों से झांक रहा है, इसका आभास तुम्हें उस समय होना चाहिए था जब मुझसे विवाह करने की इच्छा तुम्हारे मन में उत्पन्न हुई। तुम्हें तो पता ही था कि तुम्हारा ये परिणाम होगा। मुझसे बल और बुद्धि में हारने वालों का क्या परिणाम होता है ये भी तुम्हें पता था, इसलिए अब तुम अपने परिणाम के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यूं भी तुम्हारी तरह भयभीत और कायर पुरुष मेरे योग्य नहीं है। राजकुमारी जी, एक नवयुवक जो अपना नाम घटोत्कच बताता है विवाह की इच्छा लेकर आपसे मिलने आया है और आपसे तुरंत मिलना चाहता है। यहाँ आने वाले अपनी आज्ञा हम पर नहीं चला सकते, उन्हें हमारी आज्ञा का पालन करना होता है। जाओ और मृत्यु के इच्छुक इस युवक को अतिथिशाला में ठहरा दो, हम कल उसकी चुनौती को उत्तर देंगे। घटोत्कच, जीवन से बहुत निराश लगते हो, कल संध्या ही आए और आज सुबह ही आ गए हमें ललकारने। पराग ज्योतिषपुर बड़ी सुंदर जगह है, कामदेव ने इसे अपने हाथों से रचा है। दो चार दिन ठहर जाते, तनिक भ्रमण कर लेते, तब चले आते। वैसे भी पराग ज्योतिषपुर के वासी अतिथि सत्कार में बहुत प्रसिद्ध हैं। स्थान ग्रहण करो। अच्छा, तो इस नगरी को कामदेव ने बसाया। हाँ, कामदेव की इस नगरी में अकेले घूमने का क्या आनंद। हाँ, कोई तुम्हारे जैसी सुंदर प्रेमिका या पत्नी हो तो बात भी है। रहा अतिथि सत्कार, तो हम नहीं चाहते कि इस नगर के वासी हमें अतिथि समझकर हमारा सम्मान करें। हम तो चाहते हैं कि वो हमें अपना जमाई समझकर हमारा आदर करें। घटोत्कच, तुम्हारे लोग विजय का घमंड और गौरव माँ के गर्भ से लेकर पैदा होते हो। ठीक कहती हो, परंतु जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हमारा ये घमंड और गौरव आर्यों की तुलना में दुगुना है। क्यों?
क्योंकि हम केवल आर्य महावीर पांडु पुत्र भीम की ही संतान नहीं, पराक्रमी असुर माता हिडंबा के पुत्र भी हैं। अच्छा, ये व्यर्थ का वार्तालाप छोड़ो, पहले ये बताओ, तुम मेरी बुद्धि की परीक्षा चाहती हो या शस्त्र की? पहले बुद्धि परीक्षा ही हो जाए, कदाचित शस्त्र परीक्षा का अवसर ही ना आए, क्योंकि मृतक शरीर तो परीक्षा दे ही नहीं सकता। पूछिए, कोई भी प्रश्न पूछिए, यदि मैं उत्तर ना दे पाई तो अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगी। बुद्धि और बल ने किया युद्ध आज स्वीकार, जाने किसकी जीत हो, जाने किसकी हार। मैं समय हूं, मारवी ने आकाश की विद्युत शक्ति को बंदी बनाकर जिस मौरवी पाश की रचना की थी, वो मौरवी पाश तो चकनाचूर हो चुका है, किंतु उसका अभिमान टूटना अभी बाकी था। यही अभिमान तो आज तक उसके हाथों से मेहंदी की लाली और मांग से सुहाग सिंदूर की दूरी का कारण बना हुआ है, क्योंकि अभिमान एक ऐसा दुर्गुण है जो व्यक्तित्व को चंद्रमा के दाग के समान दूषित कर देता है। और ये रहस्य तो केवल मेरी मुट्ठी में बंद था कि यदि मौरवी का अभिमान न टूटता तो खाटू श्याम बर्बरीक जन्म ही न लेते। ये तो बर्बरीक के जन्म का बहाना था जो घटोत्कच को मौरवी के द्वार तक ले आया है। आओ घटोत्कच, जीवन से बहुत निराश लगते हो, कल संध्या ही आए और आज सुबह ही आ गए हमें ललकारने। पर ज्योतिषपुर बड़ी सुंदर जगह है, कामदेव ने इसे अपने हाथों से रचा है, दो चार दिन ठहर जाते, तनिक भ्रमण कर लेते, तब चले आते। वैसे भी पराग ज्योतिषपुर के वासी अतिथि सत्कार में बहुत प्रसिद्ध हैं। स्थान ग्रहण करो। अच्छा, तो इस नगरी को कामदेव ने बसाया? हाँ। कामदेव की इस नगरी में अकेले घूमने का क्या आनंद? हाँ, कोई तुम्हारे जैसी सुंदर प्रेमिका या पत्नी हो तो बात भी है। रहा अतिथि सत्कार, तो हम नहीं चाहते कि इस नगर के वासी हमें अतिथि समझकर हमारा सम्मान करें, हम तो चाहते हैं कि वो हमें अपना जमाई समझकर हमारा आदर करें। घटोत्कच, तुम्हारे लोग विजय का घमंड और गौरव माँ के गर्भ से लेकर पैदा होते हो। ठीक कहती हो, परंतु जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हमारा ये घमंड और गौरव आर्यों की तुलना में दुगुना है। क्यों? क्योंकि हम केवल आर्य महावीर पांडु पुत्र भीम की ही संतान नहीं, पराक्रमी असुर माता हिडंबा के पुत्र भी हैं। अच्छा, ये व्यर्थ का वार्तालाप छोड़ो, पहले ये बताओ, तुम मेरी बुद्धि की परीक्षा चाहती हो या शस्त्र की? पहले बुद्धि परीक्षा ही हो जाए, कदाचित शस्त्र परीक्षा का अवसर ही ना आए, क्योंकि मृतक शरीर तो परीक्षा दे ही नहीं सकता। पूछिए, कोई भी प्रश्न पूछिए, यदि मैं उत्तर ना दे पाई तो अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगी। तो फिर ध्यान देकर मेरा प्रश्न सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो कथा के साथ एक प्रश्न भी है, तुम्हें उसका ठीक उत्तर देना होगा। मैं तैयार हूँ। कुछ समय पहले एक बहुत कामुक प्रवृत्ति का व्यक्ति शरणदीप में रहता था। वो एक वेश्या पर मोहित हो गया, वेश्या भी उस पर मर मिटी। दोनों ने विवाह तो नहीं किया, किंतु उनके अनैतिक संबंध से एक पुत्री का जन्म हुआ। वेश्या तो वेश्या ही थी, पुत्री के जन्म के पश्चात उसका संबंध किसी और व्यक्ति से हो गया और वो उस व्यक्ति के साथ भाग गई।
फिर क्या हुआ? उस कामुक व्यक्ति ने वैश्य से जन्मी उस पुत्री को पाल पोस कर बड़ा किया। बड़ी होकर वो युवती सुंदरता में अपनी माता से भी आगे निकल गई। इतनी अधिक सुंदर कामिनी युवती को अपने ही घर में पाकर वो कामुक व्यक्ति उस पर आसक्त हो गया। मैं सुन रही हूँ। उस कामुक व्यक्ति ने उस कन्या से कहा, वो उसकी पुत्री नहीं, उसके पड़ोसी की कन्या है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उसने तो केवल उसको पाल पोस कर बड़ा किया है। वो युवती उस कामुक व्यक्ति के झांसे में आ गई और दोनों में अनैतिक संबंध हो गए। इन संबंधों के फल स्वरूप उस युवती ने एक बालिका को जन्म दिया। और अब मैं अपना प्रश्न पूछूं? पूछो। जिस बालिका ने जन्म लिया वो उस कामुक व्यक्ति की पुत्री थी या दोइत्री? पुत्री। पुत्री? तो फिर उस बालिका की माँ उस व्यक्ति की क्या थी? पुत्री। दोनों पुत्रियाँ, ये कैसे संभव है? दोत्री। किंतु एक कन्या, एक ही समय में पुत्री और दोइत्री दोनों तो नहीं हो सकती। इसका उत्तर ये है कि शास्त्रों के प्रमाण से उस कामुक व्यक्ति ने उन दोनों स्त्रियों में से किसी से भी विवाह नहीं किया था, इसलिए उससे उत्पन्न होने वाली संतान से उसका कोई संबंध नहीं बना। तो फिर पुत्री या दोइत्री का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तुम हार गई हो मोरवी, तुम्हें अपनी पराजय स्वीकार करनी होगी। यदि मेरे तायश्री श्री कृष्ण ने तुझसे विवाह करने की आज्ञा न दी होती तो आज मैं तेरा वध कर देता, क्योंकि तूने इतने नवयुवकों को मौत के घाट उतारा है कि तेरी हत्या करना कोई पाप ना होता। बोल, तुझे अपनी पराजय स्वीकार है या नहीं? मैं अपनी पराजय स्वीकार करती हूँ। आज से आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपकी दासी। मुझसे विवाह करके मुझे कृतार्थ कीजिए। जीत घटोत्कच ने लिया युद्ध और अभिमान, हार गई तब मोरवी किए समर्पित प्राण, किए समर्पित प्राण। उदय हुआ फिर प्रेम का, मिले हृदय और हार, दे जीवन भर।
मैं आ गया था श्री। मैंने मोरवी का अभिमान चूर चूर कर दिया है। उसे बुद्धि और बल दोनों में हराकर आपकी आज्ञा का पालन भी किया और उसका सिर अपने पैरों में भी झुका दिया। बधाई हो वत्स, बहुत बहुत बधाई हो। हमें विश्वास था कि तुम अवश्य सफल होकर लौटोगे। वत्स, अभिमान मानव प्रवृत्ति का विकार है। सूर्य का दोष उसका ग्रहण है और मानव का दोष अभिमान। उसे तो टूटना ही चाहिए। मोरवी अपना अभिमान छोड़कर महान हो गई। यदि आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछूं ताए श्री। आज्ञा पराए मांगते हैं वत्स, तुम तो मेरे अपने हो, पूछो। क्या प्रश्न है तुम्हारे मन में? संसार में ना जाने कितने शूरवीर, बलवान और शक्तिमान नवयुवक हैं, तो आपने मोरवी का अभिमान तोड़ने के लिए मुझे ही क्यों चुना? क्यों? क्या मोरवी तुम्हें अच्छी नहीं लगी वत्स? अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, किंतु मेरे प्रश्न का ये उत्तर तो नहीं। किंतु तुम ये प्रश्न क्यों पूछना चाहते हो? इसलिए कि आप कोई कार्य अकारण नहीं करते। आपके मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द अर्थहीन नहीं होता। आपके हर आदेश में सृष्टि का कोई ना कोई भेद अवश्य छिपा होता है। मैं आपके उस आदेश के भेद को जानने के लिए उत्सुक हूं। तो यूं कहो वत्स कि तुम भविष्य के आंगन में झांक कर देखना चाहते हो। तो यूं ही समझ लीजिए, किंतु मैं आपके आदेश का कारण अवश्य जानना चाहता हूं। तो सुनो वत्स, यहां संसार में घटनाएं उसी समय जन्म लेती हैं जब महान व्यक्तियों का परस्पर मिलन होता है। तुम्हारा मोरवी का मिलन और विवाह कोई साधारण घटना नहीं है। तुम महाबली भीम और मायाविनी भाभी श्री हिडिंबा के पुत्र हो और मोरवी स्वयं मायाविनी है। तुम्हारा यह संबंध भविष्य में ऐसी घटनाओं को जन्म देगा जो तुम दोनों की महानता में और भी वृद्धि करेंगे। क्यों वत्स, क्या तुम्हारी इस उत्तर से संतुष्टि नहीं हुई? मैं धन्य हो गया। तो चलो वत्स, इंद्रप्रस्थ चलते हैं। तुम्हारा विवाह वहीं संपन्न होगा। यदि आज्ञा हो तो मैं माता श्री के पास हो आऊं? अवश्य जाओ वत्स। विवाह से पहले माता का आशीर्वाद लेना यूं भी तुम्हारा परम धर्म है। मैं केवल आशीर्वाद लेने नहीं जा रहा हूं, मेरे विवाह में उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। मैं उन्हें अपने साथ इंद्रप्रस्थ लाने जा रहा हूं। किसी भी बहाने से माता के चरण छूना स्वर्ग के द्वार खटखटाने के समान होता है वत्स। रहा प्रश्न भाभी श्री को इंद्रप्रस्थ लाने का, तो अवश्य जाओ, प्रयत्न करके देख लो। आयुष्मान भाव। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? मैं ठीक कह रहा हूं माते, आपको मेरे साथ इंद्रप्रस्थ चलना होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर ये विवाह भी नहीं होगा। तुम नहीं जानते हो तुम क्या कह रहे हो पुत्र। मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये भी जानता हूं कि आपने पिताश्री को वचन दिया था। यदि सब जानते हो तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हो पुत्र? मैं विवाह के अवसर पर आपकी उपस्थिति चाहता हूं माते। मैं जानता हूं कि आपने प्रतिज्ञा की थी कि पिताश्री के विवाह उपरांत आप ना राजवंश में प्रवेश करेंगी और ना राजभवन में रहेंगी। किंतु माते, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप वहां रहने चलिए। प्रतिज्ञा नदी नहीं होती पुत्र, जो अपना मार्ग बदलती रहती है। प्रतिज्ञा तो पर्वत के समान अटक और अटल होती है। मेरी प्रतिज्ञा ये थी कि विवाह के उपरांत मैं इंद्रप्रस्थ में कभी पग नहीं धरूंगी। इसलिए अवसर चाहे कोई भी हो, मेरे वहां जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो क्या आप ये चाहती हैं माते कि सारा कुल और संसार ये कहे कि घटोत्कच ऐसा अयोग्य पुत्र था
जो माता को अकेली वन में छोड़कर राज के ठाट बाट से विवाह रचाने चला गया। क्या तुम ये चाहते हो कि कल सारा संसार ये कहे कि पुत्र विवाह में उपस्थिति को बहाना बनाकर हिडिंबा ने अपना धर्म तोड़ दिया? क्या तुम ये चाहते हो कि संसार तुम्हारी माता पर यह आरोप लगाए कि पुत्र मोह में आकर उसने अपनी प्रतिज्ञा भुला दी? क्या तुम अपनी माता पर यह लांछन लगाना चाहते हो कि हिडिंबा प्रतिज्ञावादी भीष्म पितामह के वंश के योग्य ही नहीं थी? यदि तुम यही चाहते हो पुत्र, तो चलो मैं तुम्हारा हट मानकर इंद्रप्रस्थ चलने को तैयार हूं। नहीं माते, नहीं, मुझसे भूल हो गई। मेरे कारण संसार मेरी माता पर उंगली उठाए, ये मेरे लिए लज्जा में डूब मरने का स्थान है। मुझे आप पर गर्व है माते, मुझे तो केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा आशीर्वाद तो उस गांठ से बंधा हुआ होगा जो तुम दोनों को एक बंधन में बांध रही होगी। मेरा आशीर्वाद तो उस अग्नि में मुस्कुरा रहा होगा जिसके चारों ओर तुम दोनों फेरे ले रहे होगे। मेरा आशीर्वाद तो उस वरमाला में महक रहा होगा जो तुम मेरी पुत्र वधु के गले में डाल रहे होगे। किंतु एक बात का ध्यान रखना पुत्र, तुम्हारा विवाह वासुदेव की इच्छा अनुसार हो रहा है। उनकी इच्छा में क्या संकेत छिपे हुए हैं इसका भेद जानना हर प्राणी के वश की बात नहीं है। अब जाओ, विवाह की शुभ घड़ी में विलंब नहीं होना चाहिए। इंद्रप्रस्थ में सब तुम्हारी ही राह देख रहे होंगे। जाओ और जल्दी लौट कर आना, या मैं तुम्हारी और पुत्र वधु की राह देखती रहूंगी। आयुष्मान भव। रही प्रतिज्ञा पर अड़ी, मानी कभी न हार, पुत्र वधु को दी विदा, किया निछावर प्यार, किया निछावर प्यार। स्वस्तिन इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्तिन पूषा विश्ववेदाः, स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भूर्भुवः स्वर्गौरिव भूम्नः पृथिवीवरेण तस्यास्ते पृथिवी देवायजन। आयुष्मान भव, अखंड सौभाग्यवती भव। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। यदि आप ना होते केशव, तो मेरी मांग जीवन भर सुनी रहती। आपने मुझे ये वर देकर मुझे कृतार्थ कर दिया। हमने कुछ नहीं किया कुलवधु मोरवे, वर वधु के जोड़े तो स्वर्ग में बन जाते हैं, धरती पर तो केवल औपचारिकता निभाई जाती है। तुम्हें घटोत्कच के लिए और घटोत्कच को तुम्हारे लिए ही बनाया गया था। हमने तो केवल तुम दोनों का मिलाप करवाया है।
सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव। अब हमें आज्ञा दीजिए दादी माँ। बस पात्र, इतनी शीघ्र मनोज्ञा अपनी दादी माँ से? अभी तो हमने वर वधु को जी भर के देखा भी नहीं, कुछ दिन और रुक जाते? अवश्य रुक जाता दादी माँ, किंतु हमें उस माता का आशीर्वाद भी लेना है जो यहाँ से दूर वन में आंखें बिछाए हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। हिडिम्बा को भी यहीं आ जाना चाहिए था, बहुत समय बाद तो हमारे कुल में कोई विवाह हुआ है। इस शुभ अवसर पर वो भी यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। आप तो जानती हैं दादी माँ कि माता श्री ने अपने विवाह से पहले ही ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि वो विवाह के पश्चात अपने जीते जी कभी पिताश्री के वंश या राजमहल में प्रवेश नहीं करेंगे। उस समय परिस्थितियां कुछ और थी। हाँ पुत्र, उस समय परिस्थितियां कुछ और थी, परंतु आज तो परिस्थितियां बदल गई है ना। परिस्थितियां बदल जाएं तो सब कुछ बदल जाता है ना। परिस्थितियां बदली जा सकती हैं, किंतु प्रतिज्ञा ना बदली जा सकती है ना तोड़ी जा सकती है। वो तो एक बार हो गई सो हो गई, और आप तो माता श्री के स्वभाव से भली भांति परिचित हैं, वो कभी नहीं बदल सकती। हम सब भाभी श्री के स्वभाव से परिचित हैं, वो कभी नहीं बदलेंगी, क्योंकि वो उस कुल की वधू है जिस कुल ने पितामह भीष्म जैसे महापुरुष को जन्म दिया है। सारा संसार बदल जाए, उस कुल की रीति नहीं बदल सकती। धन्य है भाभी श्री हिडिम्बा जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञा निभाने में हर सुख को बलिदान कर दिया। जाओ वत्स, हम सब तुम दोनों के सुखी जीवन की कामना करेंगे। आयुष्मान भव। कृपा कृष्ण की हो गई, मिला सकल परिवार, वधु और वर को मिला शुभाशीष उपहार, शुभाशीष उपहार। आयुष्मान भव, अखंड सौभाग्यवती भव। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। विजयी भव पुत्र। माता श्री, कहाँ हैं आप? देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। पुत्र, माता श्री, ये आपकी बहू है मोरवी। माता श्री के चरण स्पर्श करो। नहीं नहीं वधु, मेरे गले लग जाओ। मैं जानती थी यदि केशव ने तुम्हारे लिए किसी कन्या को चुना है तो वो जरूर जान का टुकड़ा होगी। मैं आपकी सेविका हूँ माताश्री। नहीं नहीं, सेविका नहीं, संगिनी कहो। सच पूछो तो इस वन में अकेलेपन में मन बहुत घबरा जाता था, किंतु अब नहीं घबराएगा, अब तुम जो आ गई हो। और सुनो, यदि तुमने वधु को दुख दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? समझ गया माताश्री, नई वधु मिली तो पुत्र पुराना लगने लगा। नहीं नहीं, ये बात नहीं है पुत्र। वधु के आने से माँ के प्यार पर पुत्र का अधिकार बस आधा हो जाता है, शेष आधा अधिकार तो बहू का होता है। नारी तो
अर्धांगिनी होती है, अपने पति की हर दुख सुख में साथी होती है, उसके आने से वंश बढ़ता है, कुटुंब बढ़ता है। किंतु मुझे एक बात की चिंता अवश्य है। किस बात की चिंता माताश्री? वधू, तुम महलों में पली हो, तुम्हारा अब तक का जीवन बस सुख और आनंद से बीता है, कहीं इस वन और कुटिया में तुम्हें कष्ट ना हो। प्यार यदि कुटिया में मिले तो ऐसी कुटिया महलों से श्रेष्ठ होती है, और इस वन में तो मुझे दूर दूर तक आपका प्यार दिखाई दे रहा है। बस मुझे आपका आशीर्वाद मिलता रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए माताश्री कि मैं इस कुल की परंपरा का निर्वाह कर सकूं। वधू, भगवान तुझे सदा सुखी रखे। तुझे मेरे पति जैसा महावीर और तेरे पति जैसा बलवान पुत्र दे। रुको, मैं अभी आई। लिए आरती हाथ में, भरे हृदय में प्यार, दुल्हन का स्वागत किया माने अपने द्वार, माने अपने द्वार। पुत्रवती भाव, आओ आओ। मैं समय हूं, घटोत्कच और मौरवी का विवाह संपन्न हो गया। दोनों एक दूसरे के प्यार की अथाह गहराइयों में डूब गए, किंतु ये बात केवल मुझे पता थी कि घटोत्कच और मौरवी का विवाह किसी कहानी का अंत नहीं, एक नई कहानी का प्रारंभ है। वो कहानी जिसकी परछाइयां उस महायुद्ध पर पड़ने वाली थी जो परिस्थितियों की मुट्ठी से निकलकर कुरुक्षेत्र में आने को बेचैन था। घटोत्कच और मौरवी का प्यार एक बालक बर्बरीक का रूप धारण कर चुका था। हिडिंबा उस बच्चे को पाकर खुशी से झूम उठी। इसके केश कितने अच्छे हैं, घने और घुंघराले। मैं इसे बर्बरीक कहूंगी। घने और घुंघराले बालों वाला बर्बरीक है ना पुत्र वधु? पुत्र घटोत्कच, इधर आओ ना। जी माता श्री। चलो मेरी पुत्र वधु को धन्यवाद दो। क्यों माताश्री? क्योंकि इसने तुम्हें और हमारे कुल को एक पुत्र दिया है। मैंने भी तो इसे पुत्र दिया है, मुझे भी तो धन्यवाद मिलना चाहिए। पुत्र पर पिता और माता का एक जैसा अधिकार होता है, किंतु पुत्र के जन्म में माता का योगदान पिता से कहीं अधिक और श्रेष्ठ होता है। पुत्र जन्म में जो कष्ट वो झेलती है वो पिता के वश की बात नहीं है। पुत्रवधु बच्चे को जन्म देके सारे परिवार को जो भेंट देती है, ऐसी भेंट तो कोई हो ही नहीं सकती। माता भगवान का दूसरा रूप है। भगवान को तो हम देख नहीं सकते, लेकिन माता को तो देख सकते हैं।
जाओ, अपने पिताश्री के पास जाओ। हमारे पौत्र के जन्म का शुभ समाचार सुनकर वो अति प्रसन्न होंगे। सुंदर रूप स्वरूप है, बर्बरीक है नाम, देखे बनते हैं यही कैसे खाटू श्याम, कैसे खाटू श्याम। भगवान मेरे पौत्र को लंबी आयु दे। तुमने ये शुभ समाचार सुनाकर पुत्र मेरे हृदय पर छाए हुए शोक के बादल हटा दिए। बहुत दिनों से कोई शुभ समाचार सुनने को नहीं मिला था, आजकल तो। पिताश्री, आप चुप क्यों हो गए? क्या किसी संकट ने आ घेरा है? घेरा तो नहीं है पुत्र, किंतु लगता है कि घेरने की पूरी तैयारी कर रहा है। मुझे भी तो बताइए पिताश्री। कभी कभी परंपराएं भी गले का फंदा बन जाती हैं पुत्र। आप मेरी उत्सुकता बढ़ा रहे हैं पिताश्री। दुर्योधन ने हमें द्वित क्रीड़ा का निमंत्रण दिया है और बड़े भैया ने परंपरा के अनुसार वो निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। तो क्या हुआ पिताश्री? हुआ नहीं, होने वाला है। अवश्य ही ये द्वित क्रीड़ा किसी षड्यंत्र का अंश है, और हो ना हो इसके पीछे मामा शकुनी का मस्तिष्क काम कर रहा है। पर अब हो ही क्या सकता है, निमंत्रण तो स्वीकार किया ही जा चुका है। द्यूत क्रीड़ा तो 500 का खेल है पिताश्री, और 500 तो किसी के भी पक्ष में गिर सकते हैं, चाहे श्री दुर्योधन के पक्ष में या हमारे पक्ष में। यही तो चिंता का विषय है पुत्र, के पासे फेंकने वाले हाथ मामा शकुनी के होंगे, और उनके हाथों की निपुणता को कौन नहीं जानता। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके मन में हमारे लिए खोट ही खोट भरा हुआ है। किंतु क्यों? वो समझते हैं कि उनकी लाडली बहन और हमारी माताश्री गंधारी का विवाह नेत्रहीन तायाश्री धृतराष्ट्र से करके कुरु वंश ने घोर अपराध किया है, गंधार के साथ अन्याय किया है, और वो इस तथाकथित अत्याचार का बदला लेना चाहते हैं और इस कुल को मिटा देना चाहते हैं। किंतु कुरु वंश के सदस्य तो तायश्री दुर्योधन भी हैं। यही तो दुर्भाग्य है, दुर्योधन मामा शकुनी को अपना शुभचिंतक समझ बैठा है। द्वेष और घृणा ने उससे सोचने समझने की शक्ति छीन ली है। उसे तो यह भी दिखाई नहीं दे रहा कि मामा शकुनी का पहला वार हम पर हो रहा है, किंतु उसका अंतिम वार दुर्योधन और उसके सहयोगियों पर होगा। ये तो बड़ा दुख का विषय है, किंतु जब निमंत्रण स्वीकार कर ही लिया गया है तो अब इसे पीछे हटना भी संभव नहीं। यही तो हमारी दुविधा का कारण है, पर होनी को कौन टाल सकता है। तुम्हारी माताश्री कैसी है पुत्र? वो तो हर पल आप सबके लिए मंगल कामनाएं करती रहती है। उसके जीवन के दुख और अकेलेपन का कारण भी मैं ही हूं। मेरा मन कहता है कि मैं उसके पास जाऊं और उससे कहूं कि अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे और हमारे साथ आ जाए। वैसे भी इन दिनों मैं बहुत अकेला पड़ गया हूं पुत्र। मां से कहना कि वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे, नदी से कहना होगा कि वो अपनी धारा की दिशा बदल दे, उनसे कहना कि मैं लज्जित हूं। उनको और पुत्र तुम दोनों को मैं वो प्यार ना दे सका जिस प्यार पर तुम दोनों का अधिकार था, किंतु हो सका तो तुम दोनों के अंश का प्यार मैं अपने पौत्र बर्बरिक को अवश्य दूंगा। मुझे जब भी समय मिला तो मैं अपने परिवार से मिलने अवश्य आऊंगा।
प्रणाम भ्राताश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम भाभी श्री। आयुष्मान भव विदुर जी। अनुज विदुर। हां भ्राताश्री। प्रणाम करते समय तुम्हारे स्वर कंपन से तुम्हारे हृदय का हर्ष छुपाए नहीं छुप रहा था। हां भ्राताश्री, आप ठीक कह रहे हैं। जीवन इतना जटिल हो चुका है कि थोड़े से हर्ष का आभास होते ही स्वर में कंपन पैदा हो जाती है। तुम बहुत प्रसन्न लग रहे हो। हां भ्राताश्री, मैं बहुत प्रसन्न हूं। समाचार ही इतना हर्षदायक है कि यदि आप भी सुनेंगे तो गदगद हो उठेंगे। अच्छा, क्या पांडवों ने क्षत्रिय धर्म की परंपरा तोड़ दी है? क्या उन्होंने युद्ध क्रीड़ा में भाग लेने से इनकार कर दिया है? यदि ऐसा है तो सचमुच ही यह शुभ समाचार है पितर। नहीं भ्रताश्री, पांडव तो युद्ध क्रीड़ा के निमंत्रण को पहले ही स्वीकार कर चुके हैं, और फिर उनसे क्षत्रिय धर्म को तोड़ने की आशा कैसे की जा सकती है? तो फिर क्या शुभ समाचार लेकर आए हो? भ्रताश्री, उनके घर में एक बालक ने जन्म लिया है। कुलवधू मौरवी ने एक बालक को जन्म दिया है। पुत्र भीम तो अब दादा और आप और मैं तो परदादा बन गए हैं। यह भी कोई शुभ समाचार हुआ विदुर? शुभ समाचार क्यों नहीं हुआ अरे पुत्र, मौरवी का पुत्र हमारे वंश का पहला परपोत्र है। यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। और इस प्रसन्नता का श्रेय भी देवकी नंदन को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने ही मौरवी और घटोत्कच का जोड़ मिलाया था। माता और शिशु कुशल तो है न विदुर जी? हाँ भाभी श्री, वो सब ठीक हैं। प्रणाम महाराज। आपने शुभ समाचार सुना भ्राताश्री? सुना बहना, अवश्य सुना। पांडवों के विषय में तो कोई भी समाचार शुभ या शुभ मेरे कान बहुत दूर से सुन लेते हैं। विदुर जी, शिशु का नामकरण हो गया क्या? हाँ, बालक के सर पर घने और घुंघर वाले बाल होने के कारण वधू हिडंबा ने उसका नाम बरबरीक रखा है। बरबरीक हमारी सूची में एक और नाम बढ़ गया है। ये क्या भ्राताश्री, क्या क्या आप नवजात शिशुओं को भी शत्रु माना जाने लगा है? मेरा तात्पर्य ये नहीं था बहना, मैं तो ये कहना चाहता था के कुरु वंश में एक और सदस्य की वृद्धि हो गई है। कितना शुभ समाचार है। अवश्य है, मेरा तो जी चाहता है कि मैं अब भी जाकर उसे देखाऊं। तुम बड़ी भावुक हो बहना, अपनी भावुकता में ये भी भूल गई हो कि अपनी इच्छा से तुम अपने पति देव के नेत्रहीनता की भागीदारनी बनी हो। तुम तो उस शिशु को देख भी नहीं सकती। देख नहीं सकती तो क्या हुआ? अरे पुत्र, मैं उसे छू तो सकती हूँ ना, कुलेल तो सुन सकती हूँ उसकी, गोद में उठाकर चूम तो सकती हूँ ना उसे। मैं तुम्हारी ममता भावना को समझ रहा हूँ गांधारी, किंतु परिस्थितियां हम सबको ऐसे मोड़ पर ले आई हैं कि तुम वहां नहीं जा सकते। विदुर, पुत्र भीम तो इस समय अपने परिवार के साथ ही होगा ना? कहां है भ्राताश्री, जूत क्रीड़ा के कारण पुत्र भीम के पास समय ही कहां है कि अपने पोत्र का मुख देख पाए। ये तो बड़ा अन्याय है, परिवार में पहला परपोत्र हुआ और भीम उसे देखने भी नहीं जा सकता। मेरा मन व्याकुल हो रहा है, कैसा अत्याचार है आर्य पुत्र ये। परंतु किया ही क्या जा सकता है गांधारी। किया तो बहुत कुछ जा सकता है भ्राताश्री, किंतु उसके लिए थोड़े से मनोबल की आवश्यकता है। हाँ तो विदुर, क्या किया जा सकता है? यदि थोड़े समय के लिए द्यूत क्रीड़ा को टाल दिया जाए तो पुत्र भीम भी
अपने पौत्र का मुख देख सकता है। तुम कैसी बात कर रहे हो अनुज? ठीक ही तो कह रहे हैं विदुर जी, द्युत क्रीड़ा बाद में भी हो सकती है आर्य पुत्र, शिशु का जन्म रोज रोज तो नहीं होता। तुम लोग सदैव ही उल्टी बात करते हो, द्युत क्रीड़ा कैसे टल सकती है? पुत्र दुर्योधन तो उसका समय भी निश्चित कर चुका है। तो क्या हुआ, पुत्र दुर्योधन युवराज है, महाराज आप हैं, आप समय बदल दीजिए, तो किसमें साहस है कि आपकी बात को टाल सके? किंतु पुत्र युधिष्ठिर भी तो निमंत्रण स्वीकार कर चुका है गांधारी, वो क्षत्रिय परंपरा को तोड़ने के लिए कदापि तैयार नहीं होगा। परंपरा परंपरा परंपरा, क्या क्या ही परंपराएं तोड़ी नहीं जा सकती, और वो भी द्युत क्रीड़ा जैसी दुष्ट परंपरा जिसका परिणाम सर्वनाश के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अरे पुत्र, तुम्हें दूसरों की बड़ी चिंता है गांधारी, अपने पुत्रों का कोई ध्यान नहीं है। जानती हो, यदि द्युत क्रीड़ा में बाधा डाली गई तो दुर्योधन आत्महत्या कर लेगा। क्या तुम चाहती हो कि हम अपने पुत्र से हाथ धो लें? मैं ऐसा कब कह रही हूँ आर्य पुत्र, मैं तो केवल ये कह रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए द्युत क्रीड़ा टाल दी जाए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहना, द्युत क्रीड़ा भला अब कैसे टल सकती है, सारी तैयारियां हो गई हैं, और ये मेरे पास से अपना चमत्कार दिखाने के लिए इतने व्याकुल हैं कि बार बार मेरे हाथों से फिसले जाते हैं। बहना, तुम भी इनका चमत्कार देखोगी ना तो दंग रह जाओगी। बड़े उत्सुक दिख रहे हैं प्रातःश्री, आप अपनी उत्सुकता में ये भूल चुके कि मैं अपनी इच्छा से अपने पति की नेत्रहीनता की भागीदार बनी हूं। मैं आपके पासों का चमत्कार नहीं देख सकती, और कदाचित इच्छा भी नहीं है कि मैं उस विनाश को देख सकूं जिसने आपके पासों के चमत्कार का भेष ही बदल रखा हो। क्रीड़ा करके द्युत की करोन अपना नाश, पौत्र जन्म की शुभ घड़ी बने हर्ष उल्लास। सीख हंती